हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। आज का जो मेरा वीडियो है वो है विटामिन सी सीरम के ऊपर कि मार्केट में कौन से अच्छे विटामिन सी सीरम आते हैं जो हमें रिजल्ट्स देते हैं और उनकी प्राइस के बारे में बताऊंगा, उनके साथ क्या कैसे यूज़ करना है, उनको कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, किसके साथ यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ नहीं करना है, ये सब मैं बताऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह, और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मैं लेके आया हूँ आई ग्लो का VC20। ये आई ग्लो कंपनी का है, MRHM कंपनी का आई ग्लो VC20। इसमें वाइटामिन सी 20% है। वाइटामिन सी 20%, इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वाइटामिन सी का वो 20% है। बहुत ईजीली आप समझ सकते हो, बट बहुत अभी आप सोचोगे कि और भी तो विटामिन सी आते हैं जो 30 होता है, 50 होता है इसके अंदर परसेंटेज, तो हम वो यूज़ क्यों ना करें, ये वाला यूज़ क्यों करें, बिकॉज इसके अंदर जो विटामिन सी है वो 20% मैक्सिमम अमाउंट में जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है एक बार में वो है। साथ ही साथ इसमें नैनो पार्टिकल्स में फॉर्मुलेटेड है जो ईजिली स्किन के अंदर जाता है। साथ ही साथ में इसमें विटामिन ई भी है, तो बेस्ट क्या है कि विटामिन ई एंड जो ऑयल सोल्युबल है उसमें साथ में विटामिन सी है जो वाटर सोल्युबल है, दोनों का जब मिक्स करके जब लगाया जाता है तो ज़्यादा इफेक्टिवली ये वर्क करते हैं। तो आपके अगर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है या अगर आपको कोई भी फ्रिकल्स हैं या आपको कोई सन डैमेज हो रहा है तो ये उसको ख़त्म कर देगा और उसको होने से बचाएगा। साथ ही साथ ये स्किन के जो DNA लेवल पे उस पे जाके वर्क करता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी एंड विटामिन ई जो है सपोर्टेड एंटीऑक्सीडेंट, तो जो भी फोटो डैमेज होता है जब भी हम धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, यूवी रेज के टच में आते हैं हमारी स्किन, तो एक फोटो डैमेज होता है। फोटो मींस लाइट और डैमेज मींस डैमेज, मतलब ओके, तो डैमेज हो रहा है ये उसको प्रिवेंट करेगा। तो आपको उसको लगाना कब है, तो आप दिन में 2 बार लगा सकते हो, मॉर्निंग में भी लगा सकते हो और नाइट में भी लगा सकते हो। बट रिमेंबर, बिकॉज ये हाईली फोटो सेंसिटिव होता है, विटामिन सी हाईली सेंसिटिव होता है, लाइट में जाएगा और ये ख़त्म, इसका डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा। तो आप जब भी इसको लगाएं, दिन में अगर लगाते हैं तो अच्छे से इसको सर्कुलेशन डायरेक्शन में लगा के एब्जॉर्ब कराएं, उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं वरना इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, इसको कभी भी AHA and BHA फेस वॉश के साथ ना यूज़ करें। वॉट इज़ AHA? AHA इज़ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड फेस वॉश लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, और या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लाइक सैलिसिलिक एसिड। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आज की डेट में ये बहुत दो AHA एंड BHA फेस वॉश बहुत कॉमनली मार्केट में बिक रहे हैं, लाइक जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है, आपको एक्ने हो रहे हैं, तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब कर देंगे कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के फेस वॉश लगाओ या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के फेस वॉश लगाओ, उनको नहीं लगाना है। तो आपको AHA एंड BHA फेस वॉश के साथ को यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ये स्किन के एक्सफोलिएटेंट होते हैं, ठीक है, हमारे स्किन की डेड लेयर को रिमूव कर देते हैं, और विटामिन सी इट्सेल्फ आर एक्सफोलिएटेंट, ओके, तो ये खुद भी स्किन को एक्सफोलिएट करता है माइक्रो लेवल पे। तो जब आप इसको इसके साथ लगाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिग्रेड हो जाएगा, विटामिन सी डिग्रेड हो जाएगा उन दोनों के साथ जा के, और साथ ही साथ उसका इफेक्ट ज़्यादा होने लगेगा, तो ज़्यादा एक्सफोलिएट होगी तो स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। तो आप कभी भी उसको AHA और BHA लाइक सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड के फेस वॉश के साथ यूज ना करें। और कब यूज नहीं करना है, तो हाँ, अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करें तो भी इसको यूज ना करें। विटामिन सी मतलब यूज करें, आप डिफरेंट टाइमिंग में यूज़ करें। अगर आपको एक्ने हो रहे हैं तो आपको बेंजोइल पेरोक्साइड ट्यूब लगा रहे हैं, तो ये अगर आप लगाएंगे तो ये उसको विटामिन सी को रिड्यूस कर देगा, ये डिग्रेड हो जाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो यूज़ ही मतलब ही नहीं निकलेगा इसको यूज़ करने का। और आप इसको किसी भी कोलेजन बूस्टिंग लाइक कोलेजन जो टैबलेट्स होती हैं या कोलेजन रिंग होती है उसके साथ यूज़ ना करें, बिकॉज वो आपके जो रहता है पोर्स को क्लॉक कर देगा और ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि कब कब यूज़ करना है और कब कब यूज़ नहीं करना है। तो विटामिन सी ई इसमें विटामिन ई खुद भी है, तो आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसके साथ इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या PIHA पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जो एक्ने पड़ने के बाद पिगमेंटेशन हो जाता है, तो आप अल्बुटिन के साथ इसको लगा सकते हैं, ये अच्छा डबल इफेक्ट देगा, साथ ही साथ आपको शाइनिंग इफेक्ट देगा। VC20 इज़ वेरी गुड विटामिन सी जो एयर और सन की रेज के कॉन्टेक्ट में आने के बाद भी ख़राब नहीं होता है। बहुत सारे विटामिन सी सीरम्स मार्केट में आते हैं, अवेलेबल होते हैं, बट ओपन करने के बाद फटाक से ख़राब हो जाते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो सबसे खासियत इस कंपनी की MRHM की यही है कि इन्होंने जो विटामिन सी का जो सीरम बनाया है, क्रीम बनाई है, 20 ग्राम का पैक है, ये डिग्रेड नहीं होता है। तो
इसकी एमआरपी है 1100 रुपये. ओके 1100 रुपये है, बट इस कॉस्ट में आपको ये बेस्ट इफेक्टिव विटामिन सी 20% में मिल रहा है. इसे थोड़े और कॉस्टली विटामिन सी भी आते हैं, बट फिर आप लोग कहोगे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली, मैंने प्रोडक्ट बता दिया. बट यार प्लीज़, जो प्रोडक्ट अगर आपको इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए तो कॉस्टिंग उनकी आएगी, वो थोड़े कॉस्टली होंगे, सस्ते प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देते हैं. तो इसकी पैकिंग इस तरीके की है, इसका छोटा सा नोजल है ताकि एयर के कॉन्टेक्ट में कम से कम आए और डिग्रेड कम से कम हो. इसको आपको, ये व्हाइट कलर का है, आपको छोटा सा लेना है, थोड़ा सा लेना है और इसको सर्कुलर डायरेक्शन में लगा के एब्जॉर्ब कराना है. इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, आप इसको अराउंड द आईज भी लगा सकते हैं और इसको लगा के छोड़ दें मसाज करके, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से. उसके बाद आपको सन ब्लॉक लगाना है. रिमेंबर, सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसके ऊपर मेकअप भी लगा सकते हो, मतलब सबसे पहले आप इसको लगाइए, उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, बाहर जा सकते हो, या आप मेकअप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. सबसे पहले इसको लगाइएगा तो या आपके छोटे छोटे फ्रिकल्स हो रहे हैं, या आपको फोटो डैमेज हो रहा है, या आपकी एजिंग स्किन में एजिंग हो रही है, या आपको कोई भी पॉल्यूशन के कारण स्किन में ड्राइनेस या अनइवन स्किन टेक्सचर है, तो ये उसको चीज़ को ख़त्म कर देगा. तो विटामिन सी जो है आई ग्लो VC220 MRHM कंपनी का, अभी तक मुझे अच्छा लगा है. और ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ताकि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो. बिकॉज 20% में लगा लिया बट अगर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, स्किन यूज़ ही नहीं कर पा रही, बॉडी यूज़ ही नहीं कर पा रही, तो वो वेस्ट हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है. तो आप इसको लीजिए, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, क्या कर रहे हो, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन योर केयर, क्लिक ऑन केयर, वहां पे जाके आपको ये VC20 जाके मिल जाएगा. इसकी MRP 1100 रुपये और जो कि बहुत इफेक्टिव है. VC20 20% विटामिन सी सीरम, इसको लगाइए डेली और अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कीजिए. ये आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगाना है, रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आपने अभी लगाया और कल से आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके जो डैमेज है उसको प्रिवेंट भी करेगा. और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मेरी ID डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं आपका वेट कर रहा हूं. और वहां पे और जाइए clickoncare.com पे, नीचे लिंक डाल दूंगा मैं, वहां पे जाके क्लिक कीजिए और जाके इसको परचेज कीजिए. और मुझे बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको पसंद कितना आया ये प्रोडक्ट. तो